शादी में दुल्हन किसी टॉक शो की एंकर हो तो उसकी शादी कैसे होगी? निकाह शुरू करते हैं। कैमरा थोड़ा क्लोज करना। जी नाज़रीन, निकाह का वक्त शुरू हो गया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निकाह करवाने वाले मौलवी साहब और जिनका निकाह होने जा रहा है दूल्हा साहब, वो हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारा टॉक शो नहीं है, निकाह हो रहा तुम्हारा, खामोश रहो। सॉरी, अमरीन नहीं आई? नहीं बेटा, उसे कुछ जरूरी काम था, नहीं आ सकी। नाज़रीन, अमरीन किसी मसले की वजह से इस शादी प्रोग्राम में नहीं आ सकी, लिहाजा हम अमरीन को ऑनलाइन लेते हैं। जी अमरीन, क्या कहेंगी आप इस शादी पर? जी बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें कितनी बात बताना पड़ेगा, तुम्हारा निकाह हो रहा है। निकाह? चुप करो। निकाह शुरू करें? जी निकाह शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। पहले क्लियर करें, लड़की की दिमागी हालत दुरुस्त तो है? कहीं फिर नजर में आदमी बोलने लगे। इन्होंने आपकी होने वाली बीवी के खिलाफ तोहीन अमेज बयान अभी अभी दिया है, इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे आपको मेरी होने वाली बीवी के खिलाफ इस तरह की बात करने का कोई हक नहीं है। आपकी बेटी को पागल करार देकर उसकी शादी रुकवाने की कोशिश की गई, क्या कहेंगी आप? मौलवी साहब, आपको जो काम आता है आप वो करें, तबसरे करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो काबिले गौर है। आपको बातें ही आती हैं या निकाह करना भी आता है? क्या सबूत है कि आप क्वालिफाइड निकाह खान है? मेरी डिग्री असली है, आपकी तरह नहीं। और क्या बातें करते हैं? नाज़रीन, यहाँ तो गर्मा गर्म बहस चल पड़ी है, माहौल को फिर से ठीक करने के लिए लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।